अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या चल, उम्मीद करता हूँ सब हेयर होंगे। तो व्यूअर्स, आज आपको प्रीव्यू में दिखाई हुई वीडियो की एडिटिंग थी, वो भी कैनवासर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद 16:9 क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। करने के बाद आपने मीडिया में जाके अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपने एडिट करना है, ठीक है। मैं अपनी वीडियो कर लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ट्रिम कर लेंगे। जहाँ से हम एक्टिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम एक कट लगा देंगे यहाँ से, और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा आगे करके मैं यहाँ से भी इसको कट लगा देता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा जूम कर लेना आपने जितना हो सके। उसके बाद आपने जहाँ जहाँ पे एक्शन किए होंगे वहाँ वहाँ पे इसको स्प्लिट एट हेड प्ले कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं पहला यहाँ पे लगाता हूँ, दूसरा थोड़ा सा आगे करके मैं एक लगा देता हूँ यहाँ पर जी। उसके बाद अगला मैं थोड़ा और आगे जाके एक और लगा देता हूँ कट वीडियो के दरमियान में, ठीक है। लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कितने कट लग चुके हैं, और तीन चार वीडियो में ये तब्दील हो चुकी हुई है। तो सेकंड वीडियो क्लिक करके स्पीड में जाके इसकी 1.5 कर दें, और थर्ड में जाके स्पीड में जाके इसकी 0.5 से थोड़ी सी ज़्यादा रख लें, और इन सबको आपने म्यूट कर देना वीडियोस को। और जो सबसे लास्ट वाली होगी उसकी स्पीड में जाके 1.5 इसकी भी कर दें। सेकंड और लास्ट वाली की आपने स्पीड ज़्यादा रखनी है, और पहले वाली की वीडियो की स्पीड को नहीं छेड़ना। उसके बाद म्यूज़िक में जाना, आपने जाने के बाद आपने म्यूज़िक डाउनलोड कर लेना ऐसे स्टोर से, ये वाला, ठीक है। इसको प्लस क्लिक करके इसको हम ऐड कर लेते हैं। उसको यहाँ से हम साइड से ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के बाद अब हमने क्या करना है, लेयर्स में जाना है, अफेक्ट्स में जाना है, और एक हॉरर शेक और ब्लिकिंग लाइट नाम के दो इफेक्ट्स आपने डाउनलोड कर लेने हैं। हॉरर शेक को ले आएंगे पहले, और जो सेकंड पार्ट है जिसकी स्पीड ज़्यादा तेज की भी है उसके ऊपर सेट कर लेना, ठीक है। इसको हम यहाँ से भी थोड़ा इक्वल कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करने के बाद सेटिंग्स में जाके इसकी सेटिंग्स कर लेंगे। सेट का हो गया है हमारा फ्रेंड्स ये वाला इफेक्ट। तो उसके बाद फिर लेयर्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाके एक और इफेक्ट ले लेंगे जिसको आपने एस एस ओ से डाउनलोड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला, इसको भी हम चूज़ कर लेंगे, और इसको क्लिक करके थोड़ा पीछे ले आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पीछे लाने के बाद अब आपने दोबारा इसको क्लिक करना है, थोड़ा बड़ा करना है, ओवरऑल एनिमेशन में जाके ब्लिंक कर देना, फिर क्लिक करना है, फिर सेटिंग में जाना और इसकी सेटिंग कर लेनी है अपने वीडियो के मुताबिक। वैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही सेट कर लें, आपकी वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद फिर आपने लेयर्स पे जाना है, इफेक्ट्स में जाना है, उसके बाद एक और इफेक्ट्स आपने ऐड कर लेना है ये वाला भी। उसके बाद फिर आपने ऐसे करना है, लेयर्स में जाना है, इफेक्ट्स में जाना है, फिर एक और इफेक्ट ऐड कर लेना है आपने। ये फ्रेंड्स एक ये भी इफेक्ट है, इसको भी आपने ऐड कर लेना है, इसको बड़ा कर लेना है। नहीं, सबसे पहले सेटिंग में जाके अपने कलर ऐड कर लें, उसके बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अपनी वीडियो के मुताबिक, और अब इसको बड़ा कर लें, सॉरी फॉर मिस्टेक, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें, और इसको ये ऑन कर लेना हर वीडियो का आपने, ठीक है। हम इसका भी ऑन कर देते हैं। उसके बाद वीडियो प्ले करके दिखा देते हैं। माशाल्लाह वीडियो बहुत अच्छी बन गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो तक पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।